नमस्कार दोस्तों। अच्छा, हम में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि लाइफ में बहुत ज्यादा कंपटीशन है? कंपटीशन, ग्रेट। लगभग हमें सभी सभी व्यक्ति इस बात को मानते हैं कि लाइफ में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन है, यस और नो? अगर कंपटीशन है तो जीवन की शुरुआत ही कंपटीशन से हुई है। आज की क्लास का शुभारंभ भी हमें कंपटीशन से करेंगे। कंपटीशन की कहानी कहां से शुरू होती है और अंत तक कंपटीशन कहां तक फाइट करना होता है, इसके बारे में एक छोटी सी कविता के माध्यम से बताता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा कंपटीशन मेरे अड़ोसी पड़ोसी से है, कुछ लोग सोचते हैं मेरा कंपटीशन मेरी मार्केट से है, कुछ लोग सोचते हैं मेरा कंपटीशन पूरे हरिद्वार में है, कुछ लोग सोचते हैं मेरा कंपटीशन पूरे उत्तराखंड में है, कुछ लोग सोचते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में है, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा कंपटीशन इंडिया में है, और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा कंपटीशन पूरे विश्व में है। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपके काम करने का तरीका, आपके काम करने का नजरिया, आपके काम करने का दायरा कितना बड़ा है। और जैसे जैसे आपके काम करने का दायरा बढ़ता जाता है तो आपके कंपटीशन का लेवल भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ता है आपके काम करने की योग्यता में बहुत अधिक निखार आता है, बहुत अधिक परिवर्तन होता है। आप नई नई चीजों को सीखते हैं, समझते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, और देखते ही देखते आप पूरे विश्व में छा जाते हैं। तो एक कहानी शुरू होती है कॉम्पिटिशन की, एक चिड़िया के बच्चे से जिसका जन्म एक अंडे से होता है। और जब तक चिड़िया का बच्चा एक अंडे में रहता है तब तक उसको कोई कंपटीशन नहीं फाइट करना पड़ता। तो जो लोग ये सोचते हैं मेरी लाइफ में कंपटीशन नहीं है, तो समझ लीजिए उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचा। जब आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे तो आपका कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो कहानी है एक छोटे से चिड़िया के बच्चे की जिसका जन्म एक अंडे से होता है, और जब वो अकेला अंडे में होता है तो उस समय कॉम्पिटिशन नहीं होता, उस समय कॉम्पिटिशन नहीं होता। और कंपटीशन जब शुरू होता है, जब वो अंडा फूटता है, उसमें से वो चूजा बाहर निकलता है और वो देखता है अकेला नहीं हूं, इस कंपटीशन में, इस छोटे से घोंसले में चार मेरे जैसे अंडे पहले थे और वो बच्चे निकल चुके हैं। अब दाना चुगने के लिए मेरा कंपटीशन इन चार लोगों के साथ है। अब मेरा कंपटीशन इन चार लोगों के साथ है। तो देखिए सोच का नजरिया और दायरा कैसे बदलता है, एक कविता के माध्यम से बताता हूं। कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल पड़ा शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। वो जब अंडा फूटा, वो चिड़िया का बच्चा बाहर निकला, तो उसको पता चला कि दाना चुगने के लिए, भोजन लेने के लिए, मां से खाना लेने के लिए भी मुझे बाकी तीन बहन भाइयों से फाइट करनी पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा। क्योंकि चिड़िया एक बार एक चोंच में दाना भरती है और अपने बच्चों को फीड करती है। तो उसको लगा कॉम्पिटिशन तो बहुत छोटा है, क्योंकि वो अंडा पहले था, जब बाद में चूजा बना, बच्चा बना, तो उसको लगा कि बाकी तीन बच्चे कमजोर है और मैं कॉम्पिटिशन में आसानी से जीत सकता हूँ। और जब उस पंख निकले, थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसने चलना शुरू किया अपने पेड़ की अलग अलग शाखाओं पर, तो उसको पता चला कि मेरा कंपटीशन मेरे चार बहन भाइयों से नहीं था, मेरा कंपटीशन तो इस पेड़ पर बैठे हर डाल पर एक घोंसले में उन चार बच्चों से है। और अगर ऐसे घोंसले में लगा, मतलब ऐसे पेड़ पर अगर 20 घोंसले हैं तो 20 चौक 80 लोगों से मेरा कॉम्पिटिशन है। मतलब कॉम्पिटिशन का दायरा और बड़ा हो गया, कॉम्पिटिशन का दायरा और। और जब कंपटीशन का दायरा बड़ा होता है तो आपको अपनी शक्ति में भी वृद्धि करनी होती है, क्योंकि कुछ लोग कंपटीशन में आपसे आगे होते हैं, कुछ लोग पीछे होते हैं। उस चिड़िया के बच्चे ने देखा कि कंपटीशन में जो लोग अलग अलग डाल पर बैठे हैं उनमें से कुछ बच्चे उनसे बड़े हैं, तो दाना चुगने के लिए कंपटीशन थोड़ा बड़ा हुआ। तो दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल पड़ा शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। और आखिर जब मैं उड़ा गगन में अपने पंख पसार, तब मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार। और कॉम्पिटिशन के इस दौर में जो व्यक्ति नई नई चीजों को सीखना शुरू करेगा, अपने जीवन में उसका अनुकरण करना शुरू करेगा, उन चीजों को समझ के अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करेगा, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा।